मैं असगर अली कौम ईरान से बोल रहा हूँ। मैं आप सब से चंद एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ और चंद एक ग्राउंड रियलिटीज़ हम भारतीयों के साथ यहाँ पे जो हुआ, हम जवारों के साथ जो यहाँ पे हुआ, तो उसके बारे में मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि जब इस कोरोना वायरस के जद में हम बदकस्मती से यहाँ फंस गए, तो शुरू में 26 के बाद का सारा फ्लाइट जो है हमारे हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हुक्म जारी हुआ कि सारे फ्लाइट जो है कैंसिल कर दिए, तो हम यहाँ पे फंस गए। तो उसके बाद हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप लोगों का ईरान में ही टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बाद जो है जो नेगेटिव्स होंगे वो हिंदुस्तान वापस आएंगे, जो पॉजिटिव्स होगा उनको ईरान में ही क्वारंटाइन पर रख के इलाज करके वापस लाएंगे। हमने कहा कि बिल्कुल, हमने उसको कोऑपरेट करना चाहा और सब ने हमने कोऑपरेट किया और पहला टेस्टिंग के लिए हमने 80 लोगों को यहाँ पे हमारे एम्बेसी ने टेस्ट लैब सैंपल्स कलेक्शन एक सेंटर बनाया जहाँ पे हम लोग गए थे। तो पहले 80 में से 27 पॉजिटिव और 58 जो है नेगेटिव डिक्लेयर किया। तो 58 को लेके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मीडिया पे भी कि 58 फर्स्ट बैच का पिलग्रिम्स यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि बाकी के जो रह गए थे, जो 27 लोग जिनका इलाज का जिम्मेवारी हमारे भारत सरकार ने ली थी, वो आज भी पिछले 16 दिनों से आज भी इन्हीं होटलों में, इन्हीं गलियों में फिरता हुआ नज़र आएंगे आपको। जब ये पॉजिटिव थे तो इनको क्वारंटाइन पे नहीं रखा गया, इनको ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो लिहाजा अब ये सिचुएशन है कि 250 लोग जो है आज होटलों में पड़े हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे मिक्स रखा हुआ है। कोई एम्बेसी की तरफ से आके इन लोगों ने हमें अलग नहीं किया, ये फैक्ट है। अगर इसमें गलती अगर होगा तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मुझे सज़ा दे, मुझे फांसी पे चढ़ाए। और उसके बाद आज 250 लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव सारे 850 लोग हैं, सब मिक्स बैठे हुए हैं। तो अभी नेगेटिव को अभी भी बोल रहे हैं कि चलो जाने के लिए, तो क्या गारंटी है उस नेगेटिव में अब पॉजिटिव नहीं हुआ, उन पॉजिटिव से नेगेटिव को पॉजिटिव फिर ये बीमारी नहीं लगा हो बोल के, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा मुतालबा है कि हिंदुस्तान का निज़ाम जो है अभी भी ये जो ज़िद है इसको तोड़ के, आप लोग अभी भी वक्त है कि यहाँ पे अभी मौतों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, उससे पहले आप लोग हमें यहाँ से निकालें, पॉजिटिव्स को भी हिंदुस्तान लिया जाए और नेगेटिव्स को भी लिया जाए, पॉजिटिव्स को पहले ले और नेगेटिव्स को बाद में ले। पॉजिटिव्स को भी ले के हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान का निज़ाम हमारे भारत जो है कि इतना छोटा पड़ गया कि भाई यहाँ पे 200 लोगों को आज 250 लोग 252 लोग करीबन पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिए गए हैं। हम लोग कहाँ जाएं, इस बैरूनी मुल्क में हमारा कौन है?